तो जी ये है फिलहाल मरीन ड्राइव का सीधा सीधा नजारा जो है इंडियन टीम जो है। तो जी ये है सीधा सीधा नजारा इंडिया की शानदार जीत सेमीफाइनल का। मैं नहीं, यहाँ पे लोग डिमांड कर रहे हैं, यहाँ पे लोग डिमांड कर रहे हैं कि स्टूडियो में आप लोग भांगड़ा करिए। वो बोल रहे हैं कि आप लोग जो भांगड़ा कर रहे हैं उसको जारी रखिए, जारी रखिए उसको। भारत माता की, वो बोल रहे हैं बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। देखिए सब जी, पहले तो जी जी एक सेकेंड। हाँ जी आप शांत क्यों होंगे आप लोग? सबसे पहले सबसे पहले भारतवर्ष के 140 करोड़ प्रेमियों को भारत की जीत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जब समी चल जाते हैं विकेटों की झड़ी लगाते हैं, और विकेटों समी की बाउंसर से बल्लेबाजों के पसीने छूट जाते हैं। आप में से जब किसी के पसीने तो नहीं? हाँ मेरा झूठा था यार, भरोसा था कि हम जीतेंगे। इंडिया के बॉलर पे भरोसा था। जब डैन मिचेल और विलियमसन जब खेल रहे थे तब तो ऐसा लगा कि हमारा जो माही भाई का जो वो हुआ था ये सपना टूट गया। तो देख रहा था आप लोग हम मेहमान के अच्छी तरह खातेदारी कर रुक क्यों गए? शमी भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? शमी भाई बिल्कुल शमी भाई के आगे बोल सकता है। पीछे 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 देखिए, जब अपने शमी भाई चल जाते हैं देखिए, जब अपने किस किस को सही सही बताना, किस किस को उस वक्त डर लग रहा था? जब सबको लग रहा था और दिल में इतनी डर रहती थी हम एक बार वर्ल्ड कप हमारा जो था अपना वो चले ना जाए। जब कमी आया जब केन का विकेट गिरा ना, हम स्टेडियम से इतने जोर से आवाज आई, हमको लगा जीत हमको दिला रही है। हमारा भरोसा इस टीम पे है और ये टीम वर्ल्ड कप जीता है। जब से यार मोहम्मद शमी पे भरोसा था और मोहम्मद शमी ने वो काम करके दिखाया है और हम आज मोहम्मद शमी को वोट जनवा जश्न खत्म नहीं होना चाहिए। तो जीत चुके हैं इंडिया। जब डैन मिचेल और तब लगा इंडिया भाई भाई कर जो ब्रेक बोल दिया मोहम्मद शमी ने, उसकी कोई निकम्प्रेशन नहीं है। जो मोहम्मद शमी ने आज बता दिया है वो इंडिया का फास्ट बॉलिंग का लेजेंड है। चक्कर में कोई नहीं है, चक्कर में मोहम्मद शमी ने रिटायर ये मैच हम हार भी जाते। शामी कोहली और अय्यर ने दिल जीत लिया, पूरा दिल जीत लिया। आज इन पूरे इंडिया ने पूरा दिल जीत लिया है। क्या परे हो, चक्कर में कोई नहीं है, चक्कर में इंडिया इंडिया इंडिया। आज कीवीज का हो गया है पैक पैक पैक। क्या होता था भाई, हमारे पास होगा, हमारे हाथ में होगा। कीवीज जा रहे ऑकलैंड और इंडिया जाएगी अहमदाबाद। टीम इंडिया के पास इतने रन थे, हमें एक बारी को तो नींद भी आ गई थी, हम मैच देखते देखते सो गए थे। यहाँ जब हम यहाँ मरीन ड्राइव पे ही थे, मरीन ड्राइव पे जिस समय ड्रेन मिचेल और केन विलियमसन सो रहे थे, सबके मुंह लटके हुए थे। हमने सबको विश्वास दिलाया था, मैंने कहा मेहमानों की खातिरदारी हिंदुस्तानी बढ़िया करते हैं, केवल न्यूजीलैंड वालों को खिला रहे हैं, एकदम विकेट चटका देंगे। सबने देखा है जब पाकिस्तान वालों को 155 पे दो थे 197 पे आउट हो गए थे, ऑस्ट्रेलिया वालों को भी 100 कम बैक था और कम बैक किया है। क्या नाम है? इस्लामुद्दीन। क्या लग रहा है?
फाइनल में। इधर आओ इधर आओ, थोड़ा थोड़ा पीछे आओ ना, पीछे आओ, इधर इधर आराम से ताकि वो भी ले आइए। सर आप भी आइए, आप तो अपने पूरे परिवार के साथ, कितने लोग आपके साथ? दस है, दस सब है। आप लोगों की आवाजें नहीं आ रही, पर बोलो इंडिया। आप लोगों का आज का प्लेयर ऑफ द मैच मोहम्मद शमी, श्रेयस अय्यर या विराट कोहली? विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, क्योंकि उन्होंने रन नहीं बनाया होता तो शमी विकेट ले सकते हैं। मोहम्मद शमी लगते हैं, मोहम्मद शमी का प्लेयर ऑफ द मैच। चालीस रन का वर्क बड़ा, अगर श्रेयस रन बनाते तो शमी विकेट कहां से लेते? तो श्रेयस अय्यर के रनों की वजह से इंडिया ये मैच जीता है, ऐसा मेरा समझना है, और श्रेयस अय्यर ही होने चाहिए प्लेयर ऑफ द मैच। बाकी मोहम्मद शमी बने या ना बने, वो स्टार बॉलर है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा आता है बंदा, परफॉर्मेंस देख चला जाता है, उसके बारे में ना कोई इतना हाइप है ना कुछ है, लेकिन वो बंदा हमेशा परफॉर्मेंस देता है। शमी भाई 2019 में अफगानिस्तान के सामने उनको बैठा के रखा था, लेके आए, हैट्रिक ली, अभी इंग्लैंड के सामने जो घुसर पुसर कर रहे हैं। आगे आओ, आगे आओ भाई, आगे आओ, प्लीज प्लीज प्लीज, 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 प्लीज। रोहित शर्मा का तारीफ कर दिया भाई, अरे वाह क्या बात है, क्या बात फैन है भाई, रोहित शर्मा के फैन हो, चना जोर गरम यार थोड़ा। हाँ यार ये आप लोग यार फ्रेम में आए दोस्तों, तो ये फिलहाल आज के थोड़ा ही काम करते हैं, उधर क्या माहौल है थोड़ा। विकास सर आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, मैं आपको पिछले कितने सालों से देख रहा हूँ सर, आप इधर आते हमको सर, प्लीज आप अभी फाइनल के लिए अहमदाबाद में जरूर आइएगा सर। बिल्कुल आएंगे यार, बिल्कुल आएंगे। आप जाओगे अहमदाबाद? सर मैं तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन सर को देखूंगा अगर स्पोर्ट्स तक पे फाइनल में, तो बहुत मजा आएगा सर। आप और सर तो जैसे आप निखिल सर, श्वेता मैम और विक्रांत सर गए थे पाकिस्तान मैच के लिए, प्लीज आप चारों अहमदाबाद में फाइनल मैच के लिए भी एक साथ आइए प्लीज, हमारे ऐसे स्पोर्ट्स तक व्यूअर हमारा एक ख्वाहिश है। बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे, सब लोग आएंगे। इधर थोड़ा घूम जाओ यार, मुझे लगा आप लोग थोड़ा यहाँ पे जश्न मनाओगे, मुझे क्या उधर जाना पड़ेगा क्या? आज कोई नहीं मुझे, शोर मचा है, शोर मचा। न्यूजीलैंड वालों का फाइनल से गया है पत्ता कट, न्यूजीलैंड वालों का फाइनल से गया है पत्ता कट, और टीम इंडिया को मिल गया फाइनल का टिकट। आज विक्रांत सर आया, इंडिया फाइनल में चला गया, देख लो का। वो देखो पीछे शमी, आओ रुको, हाँ एक सेकंड खींचना, अरे हाथ पकड़ो मेरे, ओए होए होए शमी, क्या लगा शमी ने शमी ने जो परफॉर्मेंस दी है वो शमी इज द मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, या द ओनली वर्ड फॉर दैट मैन ऑफ द टूर्नामेंट इज शमी ब्रो, कमबैक इसको सब लोग इधर मेरे आगे, शमी, मतलब हर जगह मैं जहां तक देखूं वहां पे लोग ही लोग, भीड़ मतलब ऐसी हो रही है। आओ 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 इधर आओ ना, आओ भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम। 12 आर्मी के फैंस उधर है, जीत गया भाई, जीत गया इंडिया, कमाल है यार। मतलब आज तो ऐसा आप लोगों ने कर रखा है यहाँ पर, मतलब कि इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, सब आओ सब आओ सब आओ, अहमदाबाद में मिलेंगे, अहमदाबाद अहमदाबाद में फाइनल हो गया, अहमदाबाद में मिलेंगे 19 तारीख को, बिल्कुल मिलेंगे 19 तारीख, और आप और मैं फिर से डांस करेंगे फाइनल वहाँ पक्का डांस। अगर फाइनल इंडिया जीत रहा है मैं आप लोगों के साथ नाचूंगा, आओ शमे शमे कामे कामे, ओए ओए ओए, ये तो 2011 का। अब इसके साथ एक और फोटो लगने वाली है लग रहा है।
सर 2011 को वापस रिपीट करेंगे हमारे रोहित शर्मा और विराट कोहली 11 भाई श्रेयस अय्यर नहीं 11 के 11 प्लेयर मेहनत किया भाई। हमारा कोच राहुल द्रविड़ हमारा कोच और सबसे ज्यादा विनिंग मोमेंट है हमारा न्यूज रिपोर्टर। जब भी गलत खेलते हैं न्यूज रिपोर्टर पीटता है वापस अच्छा खेलते हैं। हाथों में पेनाल्टी आज हमने कंगन मिलियन डॉलर को पेनाल्टी हमने हाथों में कंगन टीम बनने के वर्ल्ड चैंपियन कॉफी शामी भाई क्या रहे कोई बोल सकता है क्या शामी भाई परफॉर्मेंस के स्टेडियम में खेला है स्पेशली जीता है आज किस और क्या कि ये वर्ल्ड कप
का मतलब ये है कि सुबह मैं खा ठेले पर केला, सुबह ठेले पर केला, अभी इधर जीत का मतलब मेरा। शमी भाई के लिए गाना है टुकड़ा मेरा, ये टुकड़ा दिल मेरा, मेरा चुटकुला गाना है इनके लिए बोलने वाला है। सुबह मैंने उस अभी पिलाया लोग को रस पकड़ा, छोटी बच्ची। हाँ बच्ची, बेटा आप क्या कर रहे थे, आप तो डाल रहे, यू कैरी ऑन आओ कम कम। यार छोटी बच्ची आप लोगों को लीड कर रही है डांस करने में, फिर हो जाओ। आप लोगों ने मतलब जो मरीन ड्राइव में इन लोगों ने जश्न मनाया है, और कब तक हो आप लोग मेरे साथ यहाँ पे? अरे मैडम देखिए बड़े बड़े बैग। हाँ जी साहब, जब तक जिंदगी रहेगी तब तक इंडिया का जश्न मनाते रहेंगे। वेरी गुड, जश्न इंडिया के नहीं यार, फाइनल जीता के जाएंगे हम, इंडिया फाइनल जीता के जाएंगे। हाँ हाँ बेटा कैरी ऑन आप, मतलब मरीन ड्राइव पे इस वक्त हजारों की तादाद में लोग हैं, पटाखे फट चुके हैं, लाखों बोल दी, चलो लाखों लोग आइए आइए। इधर नहीं आ रहेंगे, ये हमारा इलाका है, हमारा घर है, भारत को अपना बदला लेना आता है, अपना हिसाब चुकाना आता है, मैं अपना हिसाब चुका लिया, अपना हिसाब चुका लिया। यार मतलब पीछे वालों आवाज भी आ रही है, फिर भारत जीतेगा। शमी भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? शमी भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? चलो चलो, वो कहा है वो सब हमारे परिवार की तरफ से सभी देशवासियों को भारत के जीत का हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। मैम थैंक यू सो वेरी मच, आपको मैंने देखा भी, आप ना डांस करती भी आई थी। मैडम को मैं कौन कंपनी देगा? क्या कोई बोल सकता है क्या? क्या नाम है मैडम आपका? डॉक्टर हेमा मिस्त्री। अरे वाह, कैसे? वेरी
कुछ फ्रॉम इंडिया भारतीय है। डॉक्टर है, डॉक्टर मिस्त्री के लिए दो शब्द इनके लिए बोलने दो शब्द। वुमेन को हिंदी में हम कहते हैं स्त्री, वुमेन को हम हिंदी में कहते हैं स्त्री। हमारे साथ खड़ी है डॉक्टर मिस्त्री। भाई हम कहते हैं इनके बाबा, इधर आओ। धोनी का बदला ले लिया, इसका बदला ले लिया भाई, धोनी का बदला। रोहित 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 थोड़ा पीछे होते। ये झंडा क्यों, ये झंडा ऐसा क्यों है, ये हिल क्यों नहीं रहा है झंडा? थोड़ा पीछे, मैं भी थोड़ा पीछे था, थोड़ा थोड़ा पीछे। कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। बोलो बोलो। हमने तो पाकिस्तान के ऐसे छक्के छुड़ाए कि वो चार दिन पहले ही न पता हो गए, कराची लौट गए मेरे भाम साहब। उन्होंने कहा कि हमारी हिंदुस्तान में पड़ोस देश में पीछे हो यार, इतनी अच्छी ऑपरेशन मिली यार। ये लड़का है, इसमें है असली एनर्जी। इंडिया 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 उधर देंगे। अरे न्यूजीलैंड वाले को डिनर में खिलाया, न्यूजीलैंड वाले को डिनर में खिलाया केला, उनको तेल लगा लगा के सामी ने बेला। अच्छा अब ये डन डील है, फाइनल जीत रहा है इंडिया। ये पूछने वाली बात ही नहीं, इंडिया फाइनल जीत रही है। इंडिया तो ऐसी स्टार्ट रहेगी तो जीतेगा, जैसे रोहित शर्मा ने स्टार्ट किया वैसा करेगा तो जीतेगा। ये रोहित शर्मा जीतेगा इंडिया, जीतेगा। चो देगा ना चा देगा, खाली बूर पे बैठ को पा देगा। ये तो टेलीपुरा अपना कप्तान है, हिटमैन नहीं लेन देंगे हम फाइनल में भी किसी टीम को चैन। अच्छा तो जी दो लहरा दो, आप बोल रहे हो उनको ये पूरा टीम कॉन्ट्रीब्यूशन, ये पूरा टीम कॉन्ट्रीब्यूशन है स्पेशली। हम किसी एक को हम किसी ये पूरी पूरी टीम का कॉन्ट्रीब्यूशन है। हर किसी ने अच्छा खेला है, बहुत सारे लोगों ने रोहित शर्मा की कैप्टनशिप पर सवाल उठाया था कि ये नहीं कर सकते, हर किसी ने रोहित की कैप्टनशिप पे लोगों ने सवाल उठाया था, बहुत सारे लोगों ने रोहित शर्मा की कैप्टनशिप पे लोगों ने सवाल उठाया था वर्ल्ड कप से पहले। वर्ल्ड कप से पहले जो आईपीएल में रोहित शर्मा का प्रदर्शन था उस पर भी लोगों ने सवाल उठाया था, बट रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप में प्रूफ करके दिखाया है कि उसे वो रोहित शर्मा क्यों है। सर रोहित शर्मा की कैप्टनशिप पे कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया, हम सबने उनको 2013 से देखा हुआ है कि वो कैसे कैप्टन रहे हैं। उन्होंने मुंबई इंडियंस को 5 ट्रॉफी जिताई है जो कि हल्की बात नहीं है, किसी भी टीम ने नहीं जीती है, अब चेन्नई ने जीती है। तो रोहित शर्मा की कैप्टनशिप पे कभी सवाल नहीं था। हाँ उनके बैटिंग अप्रोच पे कुछ सवाल थे पिछले 2 साल से, वो भी T20 में थे, वनडे में और टेस्ट में। हम सबको मालूम है रोहित ने क्या किया है पिछले 2 सालों में। सब जब कहीं भी बैट पिचेस रहती है, स्पिनिंग पिचेस रहती है, तो एक बंदा खड़ा होता है जिसका नाम रोहित शर्मा है, वो बंदा खड़ा होकर रन बनाता है। लखनऊ में उसने 87 बनाया, फिर सब लोग भूल रहे चेन्नई वाला मैच, चेन्नई वाला मैच जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैच था, रोहित शर्मा के 161 रन। रोहित शर्मा हमेशा मुश्किल पिचों में रन बनाते हैं, ना कि बैटिंग फ्रेंडली पिच। अगला नंबर बोल रहे हैं अगला नंबर बताओ। हाँ जी सर, शुक्रिया राहुल रावत जी और विक्रांत गुप्ता और आपकी पूरी टीम, जो जो आज का एजेंडा चलाते हैं आप लोग,
बहुत अच्छा, हम लोग न्यूयॉर्क से देखते हैं। आज का एजेंडा जो हमारे शो का नाम है, हमारे साथ खड़े हमारे बड़े भाई राहुल रावत, हमारे साथ खड़े हमारे बड़े भाई राहुल रावत, और मुंबई में शुरू हो गए सेमीफाइनल की दावत। क्या नाम है? रेंगा 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 रेंगा, न्यूयॉर्क से आए हैं सेमीफाइनल और फाइनल देखने के लिए। न्यूयॉर्क में लोग डांस नहीं करते? हमेशा डांस करते हैं। समंदर पार के लिए दो शब्द बोलते हैं। देखिए, टीम इंडिया से मत लेना पंगा, टीम इंडिया से मत लेना पंगा, अरे खड़े न्यूयॉर्क से आए हुए रंगांगा गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। आज पोस्ट का क्या, 8 मिलियन सब्सक्राइबर होने चाहिए, 7 कराएंगे हम पहले, उसके बाद हम 8 पे जाएंगे। 7 खत्म होने चाहिए, 7 मिलियन हो बिगड़ते के यार। ये झंडे वाला इंसान कौन है यार, झंडा नहीं हिल रहा है। पीछे आओ, पीछे ऊपर ऊपर, थोड़ा थोड़ा पीछे, थोड़ा थोड़ा। राहुल रावत 9 विक्रांत गुप्ता 73 देख लो यार, विक्रांत डॉट गुप्ता 73 मनोज अंडरस्कोर डिमरी डिमरी बिल्कुल सिंह ऑफिशियल भाई, सबको सबको हम पसंद करते हैं। पीछे आओ यार, आप लोग शर्मा शर्मा के उधर खड़े हो, यहाँ पर आओ, आप भी आइए, कम 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 कम, थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे, थोड़ा पीछे, वर्ल्ड वाइड नारा है, सब लोग पीछे, कम 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 कम, वर्ल्ड वाइड नारा है। अरे आप शर्मा रहे हो, वहाँ पे टीम इंडिया मैच जीत गई है, सबको बुलाइए। क्या नाम है आपका? अश्विका। उधर देख के बताइए, मुझे नहीं। अश्विका अश्विका, हाय अश्विका। और कहाँ से? बॉम्बे से ही? मैं दिल्ली से हूँ। कहाँ दिल्ली? मैं अभी यहाँ रह रही हूँ, कॉलेज है मेरा यहाँ मुंबई में। चलिए, वेरी गुड। मैच देखा? बहुत मजा आया, बहुत मजा। मैच देखने में ज्यादा मजा आया कि मैच के बाद की जो सेलिब्रेशन थी वो देखने में? दोनों में मैच देखने में भी बहुत मजा आया, और सेलिब्रेशन में तो यहाँ सबकी। पहला था आपका इंस्टेडिया एक्सपीरियंस? हाँ नहीं, मैंने एक बार लखनऊ में देखा था, ये वाला भी लखनऊ में जो मैच था वो देखा था, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। बट यहाँ वांखड़े और मुंबई की तो वाइब भी अलग है, मुंबई के लोगों की वाइब, मुंबई वालों, मुंबई वालों, आपको तो मिल गए हैं 10 में से 10, 10 on 10, 11 on 10, 11 on 10 दे दिए है आपको। विक्रांत सर से प्रश्न पूछिए। क्या नाम है बेटा आपका? फातिमा। फातिमा फातिमा, मैच क्रिकेट देखते हो आप? थोड़ा 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 थोड़ा। स्पेशल अफ्रीका से फेवरेट फेवरेट प्लेयर कौन है आपका? विराट कोहली है। ओए होए, विराट कोहली 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 कोहली। सब इधर आओ, सब आओ, सब कैमरे पे तभी आओगे जब सब पीछे आओगे, उधर आके फायदा नहीं है। मेरे साथ आओ, मेरे पीछे आओ, इधर आओ। क्या करते हो आप? आप तो एक्टर बनोगे लग रहा है। कोहली बनेगा यार, सब शांत क्यों हो गए? मैं ये कहना चाहता हूँ, लोग यहाँ पे खड़े होकर विराट कोहली विराट कोहली विराट कोहली कह रहे हैं, बट कोई इंडिया और रोहित शर्मा की बात नहीं कर रहा, बिकॉज जिस आप शायद से थोड़ा सा लेट आए हो अभी तक। यहाँ पे ना शमी और रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, सबके नाम यहाँ पे देखे, यहाँ पे भारत माता की आवाज आ रही है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, ये नारे आज पूरी रात लगती रहेगी, और संडे की रात जब इंडिया वर्ल्ड कप उठाएगी फिर ये नारे चलती रहेगी, और हम कहेंगे भारत माता की। न्यूजीलैंड वालों के हमने हाथ में पहना दिया आज हार के कंगन, न्यूजीलैंड वालों के हाथों में हमने पहना दिया आज हार के कंगन, वर्ल्ड चैंपियन बनेगी टीम इंडिया, वर्ल्ड चैंपियन। चला लिया है बदला। कौन सा बदला ले लिया? 2019 का बदला ले लिया हमने। आप माता की जय। बाप का दादा का सबका बदला लेगा रे तेरा चीकू। एक चीज, एक चीज,
मेरी जितनी ये मेरी जितनी का मेरी 40 का उम्र का ये मेरी जितनी का ये जीतता तो आज मेरी सेकंड फाइनल मेरी इंडिया जीत गया और ये भी जीतता मेरा इंडिया इतनी जीत के लाएगा ये कब भी मेरा इंडिया लाएगा इंशाल्लाह। मैं मुसलमान हूँ मेरे हिंदुस्तान के अंदर सब कुछ सब इंडिया ही जीतेगा। मेरे हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान नहीं होता ये इंडियन टीम है इस टीम में मेरा हिंदुस्तान इतना अच्छी है मेरा हिंदुस्तान भी इतना अच्छा है हिंदू मुस्लिम सबको लेके मेरा हिंदुस्तान चलता है ये मेरा हिंदू मुस्लिम का दोस्ती है। बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है। मेसी नाम सुनाई देता है वो है इंडिया इंडिया। एक बात और जीतेगा जीतेगा एक बात माइक पे जो बोल रहे हो बात की आ रही है चिंता मत करो यार। बिल्कुल सभी सबसे बड़ी बात तो है ना अपने इंडिया को बस है अपने लोग हम लोग ये कहना चाहते हैं ना कि अभी न्यूजीलैंड तो अभी झांकी है ऑस्ट्रेलिया अभी बाकी है और अभी जितने आज के बच्चे हैं ना अभी वर्ल्ड कप जीत का ताज टीम इंडिया के सर पे सजेगा वर्ल्ड कप जीत का ताज और वर्ल्ड कप पे करेगी टीम इंडिया राज। और अपना पीछे आओ थोड़ा थोड़ा पीछे आओ ना सब आज आप लोग वहाँ के खड़े यार इस तरफ आओ देखिए भाई आराम से राहुल भाई आराम देखिए पीछे आओ मेरी चिंता नहीं और जीतने के बाद टीम इंडिया का वर्ल्ड डोमिनेंस शुरू होगा जैसा ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया ये वर्ल्ड कप जीतते इंडिया का वर्ल्ड डोमिनेशन शुरू होगा। एक सेकंड पीछे हो पहले मैं और वो 2027 वर्ल्ड कप तक मेरे आप सबसे सवाल है पीछे आओ ना आप सब आओगे यार सब दिख रहे हो सब दिख भी रहे हो सबसे बात भी करूंगा पीछे तो आओ आप मैं अच्छा इससे बेहतर इंडियन टीम मैं किसको सुन रहा था आई थिंक मैं कोई बोल रहा था कि ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता अच्छा नहीं अच्छा मैं इससे बेहतर इंडियन टीम व्हाइट बॉल क्रिकेट में क्या देखी है किसी नहीं ये कहना गलत रहेगा। कभी कभी हम बहुत मेहनत करके भी सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं और कभी कभी बिना मेहनत के भी बहुत कुछ हो जाता है ऐसा नहीं है ये कम सफलता नहीं हमारी टूटा हमारी 2007 की भी टीम बहुत अच्छी थी 2007 की भी टीम बहुत अच्छी थी 2011 की भी थी 2015-19 बस फर्क इतना होता है कि अगर हम बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं तो हम अच्छे कहलाते हैं अगर अभी हम बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दिए होते तो शायद अभी हम लोग अपनी टीम को गाली दे रहे होते तो इसलिए अच्छा ये है कि अपनी टीम ने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया सही बोल रहे हैं असली देशभक्त वो है ना अपना जो अगर हारे भी ना तो अपने देश का साथ ना छोड़े। राहुल भाई आज तक की टीम इंडिया की सबसे बेस्ट बॉलिंग है देखे और हिंदुस्तान जिंदाबाद था जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। भारत माता की भारत माता की भारत माता की मैदान पर दादा ने हवा में टी शर्ट लहराई थी मैदान पर हवा में दादा ने टी शर्ट लहराई थी सच पूछो तो ये टीम इंडिया मेरे दादा ने बनाई थी। जो बोला मैंने सुबह से बोल दिया जो जो जोरी जो जोरी बना दिया दादा ने रोहित शर्मा और दाविर को ये वर्ल्ड चैंपियन का जोरी ये वर्ल्ड चैंपियन हो यार इस बार 2019 का बदला ले लिया चक दे इंडिया जीतेगा इंडिया ये वर्ल्ड कप हमारा है द गॉड ऑफ क्रिकेट द किंग ऑफ क्रिकेट कोहली आपकी बात का जवाब देता हूं मैं टैलेंटेड टीम्स पहले भी आई हैं पर इतना सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस कभी नहीं आया देखो फर्क ये होता है मैं आपको बताऊं विराट कोहली ना अक्सर ये बात करते थे जब वो अपने पॉम्प पे थे हो सकता है उनका पॉम्प दोबारा वापस आ गया हो विराट
ये बोलते थे कि मुझे ना कभी कभार जब भी मैदान पे जाता था मुझे लगता था मैं आज 100 बनाऊंगा, मैं ही मैच जिताऊंगा। आज आपके इस टीम के हर प्लेयर को वो यकीन है, वो कॉन्फिडेंस है, अच्छी टीम है। इन इस टीम में जो खिलाड़ी हैं उनसे बेहतर खिलाड़ी आए हैं उस उन टीमों में। जहीर खान भी थे, सचिन तेंदुलकर भी थे, एमएस धोनी थे, विराट खुद थे, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। बट एज अ कॉम्बिनेशन जो इस टीम का बैलेंस है, जो इस टीम का कॉन्फिडेंस है, और सबसे बड़ी बात 11 के 11 खिलाड़ी एक साथ उसी फॉर्म में उसी कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे हैं। और यार बहुत मुश्किल होगा न्यूजीलैंड के पास, मुझे लगता है न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा खेला, 40 रन एक्स्ट्रा लग गए पर फर्क वहां आ गया। उसके बाद आ गए मोहम्मद शमी, फितरत हो गई है उनकी विकेट लेना। और डैरिल मिचेल वेल प्लेड ब्रो, वेल प्लेड एंड कैनविलेशन वेल, डैरिल मिचेल का तालियां। सेल्फी सेल्फी सेल। अच्छा तो मतलब आज की इधर आओ, अच्छा ये उधर जा रहे हैं तो ये है हमारी जी। क्या हाल है? बहुत बढ़िया, चंगा। और अच्छे हो गए तो हाल? और अच्छे हो गए हाल। 2019 में आ रहे थे, 2023 में उसको ठोका हमने। 2019 में दो दिन लगे थे उनको उनको हरा देने, आज हमने एक दिन। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की भूल रहे हो, वो भी इसलिए तो हमने ये राउंड में दो दफा हराया ने, वर्ल्ड चैंपियनशिप का पहली बार। अच्छा दो बार, दोनों बराबर, दोनों बराबर हो गया, बराबर। अहमदाबाद तो जा ही रहे हो गए, जा रहे हैं, घरेलू है अहमदाबाद, हमारा घरेलू है, गुजराती है, जाके कप लेके आएंगे, कप वर्ल्ड कप हमारा है। 2011 रिपीट करेंगे हम, 2011 कमान कमान इंडिया। पक्का अहमदाबाद मिलेंगे आपके साथ। मतलब आज सारे पैसे वसूल हो गए, बहुत था सबका परफॉर्मेंस। और शमी क्या बोलिंग डाला, 7 विकेट, वो तो बहुत सोने पे सुहाग हो गया। जो पांड्या इंजर्ड हो गया उससे अच्छा हो गया, सोने पे सुहाग। सेमीफाइनल नहीं, सेमीफाइनल था, सोने पे सुहाग हो गया। वो शमी आ गया ना टीम में, जान आ गई, वरना मैच नहीं जीत सकते, बिना विकेट लिए मैच नहीं जीत सकते, रन तो सब बना दे। चलो एक नारा दो, यहाँ पे माहौल ये हमारे गुजराती लोग, गुजराती लोग लंदन से, लंदन से आए, हमें पता है आपके बारे में, हर कोई जानता है। ये पगड़ी, ये ताज जो है, ये आप ही को मुबारक हो सर, थैंक यू सो मच। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, टीम इंडिया सुपर स्टार। मुझे मतलब आप लोग कब से क्या क्या पूछा गया होगा मुझसे, मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया, और मतलब बस विक्रांत सर से प्रश्न पूछे, सब वो जो बोल रहे हैं मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा वहां से। हाँ बेटा, जीतेगा, 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 जीतेगा,
बेटा क्या नाम है आपका? त्रिशा। 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 विराट 50 क्यों लिखा है यहाँ पे? नेक्स्ट टाइम ना एक वन लगाना है, ठीक है? क्या होगा फिर उससे? 150। विराट के फैन हो आप? यस। मैच देखा? हाँ। अरे वाह, मुबारक, कांग्रेचुलेशन यार, कम ऑन। चलो विराट के लिए, विराट के लिए, विराट, 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 भारत माता की, भारत माता की। बच्ची बच्ची मन की सच्ची, वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? बच्ची मन की सच्ची, जब गुड़िया ने भविष्यवाणी कर दी है तो अब नहीं रोक सकता कोई टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने। आज के मैच के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। क्या सब बता चुके हैं? नहीं नहीं नहीं, ए, नहीं नहीं, वो टीम का बोल रहा हूँ, वो टीम का एक ऐसी चीज बताइएगा जो मैंने ना सुनी हो। ये कहा, एक बता, वो उनका, वो न्यूजीलैंड का 2 विकेट था, उसके बाद विकेट नहीं पड़ रहा। लकी चार्म बाबत बोल रहा है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। ओ, 2 विकेट पड़ा था न्यूजीलैंड का, विकेट पड़ने रहा था, पूरी की पूरी जबरदस्त पार्टनरशिप हुई थी। तो हमारे दोस्त का गांव से फोन है, मैं सातर से आया हूँ इधर, टिकट नहीं था लेकिन इधर मरीन ड्राइव पे आने वाला था, तो उसको बोला मैं कि मेरे को एक मिनट सर, उस दोस्त को, सर दोस्त को मैंने बोला कि मैं इधर आ जाएगा ना तो विकेट पड़ जाएगा, तो मैं इधर वार्कर के मेन एंट्रेंस में आ गया, टैक्सी से उतर गया तो इधर जल्लोश हो गया, विकेट पड़ गया, 2 विकेट पड़ गया। और मैंने बोला था मैं उधर जाएगा तो इधर, और मेरी प्रेडिक्शन थी सर, कहा था आपको जल्दी बोलना पड़ेगा, यहाँ पे लोग जो है, भारत माता की, भारत 70 रन से जीतेगा, मजा आ गया, भारत 70 रन से जीतेगा, प्रेडिक्शन खरी हो गई। ये बताओ फाइनल कितने? फाइनल भारत और साउथ अफ्रीका का होगा। फाइनल मैं चाहता हूँ, फाइनल मैं चाहता हूँ भारत और ऑस्ट्रेलिया का हो, मैं चाहता हूँ भारत और ऑस्ट्रेलिया का हो। हमें 2003-2015 का बदला लेना है माइटी ऑस्ट्रेलियन टीम से, तो मैं डाई हार्ट फैन इंडिया का चाहता हूँ कि मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ हो। और 19 तारीख को हम यही समय पे 12 साल की प्यास बुझाएंगे भारत माता की। यार पीछे हो ना, वहाँ दिखी नहीं, कैमरा इंडिया की वर्ल्ड कप जीत की फोटो उसके लिए लाएंगे हम फ्रेम। कैमरा उधर है, पीछे आओ, पीछे आओ। इंडिया की वर्ल्ड कप आगे नहीं, टीम इंडिया की वर्ल्ड कप जीत की फोटो के लिए लाएंगे हम फ्रेम, और फाइनल में साउथ अफ्रीका से हमें प्रेम, हम नहीं चाहते कि हम इजीली जीते, हम चाहते टफ फाइट जो आज हमें न्यूजीलैंड ने दी है, और हमें करारी हार देनी है माइटी ऑस्ट्रेलियन टीम को। भाई ये लोग कल कोहिनूर ले गए, हम कल कोहिनूर, हम सब धीरे धीरे 2025 तक सब ले लेंगे। T20 वर्ल्ड कप अगले साल आ रहा है, वो भी हम जीतने जा रहे हैं, जो हिसाब से हमने बॉक्सेस टिक किए, बहुत 24 में चैंपियंस ट्रॉफी है, 25 में, 24 में, 25 में, सब ले लेंगे, सब बोलो। फाइनल में विराट की 51 सेंचुरी होगी और भारत जीतेगा फाइनल में, विराट की 50। अरे एक ही बात है, अरे कोहली भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? कोहली भैया जैसा कोई नहीं है, मतलब वेरी बिग फैन ऑफ विक्रांत गुप्ता, मैं एक भी उनका शो नहीं छोड़ता हूँ, सारे शोज देखता हूँ, जो एनालाइज करते हैं वो सबसे बेस्ट है भाई। राहुल रावत सर की भी हम बहुत बड़े फैन हैं, आप भी बहुत अच्छा करते हो, थैंक यू वेरी मच। पूरे का पूरा इंडिया का एनालाइजेशन क्रिकेट का सबसे अच्छा विक्रांत गुप्ता सर करते हैं, आप वो सुन रहे हैं, स्वभाव के बड़े हैं शांत, हमारे दिल में बसते हैं सर विक्रांत। क्वेश्चन, अब सवाल खत्म हो चुके हैं, सवाल एग्जिस्ट नहीं करते, वो देखिए उनके हाथ थक रहे हैं,
राहुल रावत सर आइए। भारत के हाथ कभी थकते नहीं है, कभी थकते नहीं है। भारत की नारी माता की जय। मातलम जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया, जीतेगा विराट, विराट विराट भैया जैसा कोई नहीं। वापस आप चिल्लाइए, यहाँ खड़ी है किंग कोहली, किंग कोहली प्रेमियों की टोली, यहाँ खड़ी है क्रिकेट प्रेमियों की टोली, और फाइनल में भी धूम मचाएगा विराट कोहली। धूम मचा ले। वाह यार, मतलब आप लोगों ने तो आज मतलब इतनी देर केन विलियमसन और डैरिल मिचेल ने डोमिनेट नहीं किया होगा, जितनी देर यहाँ जो आप लोगों ने सेलिब्रेशन चलाया इतनी देर तो केन विलियमसन और डैरिल मिचेल ने डोमिनेट नहीं किया होगा अंदर। अरे मम्मी के खाना है, मम्मी के हाथ का खाना डोमिनेट कर रहा है, इसके लिए तो हम नारे लगा रहे भारत माता की, भारत माता की। टीम इंडिया ने ठानी है वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लानी है। क्यों पड़े हो चक्कर में, जहाँ तक हम फाइनल्स की बात करें, भले ही साउथ अफ्रीका है या भले ही ऑस्ट्रेलिया, ट्रॉफी अपनी है, बस 19 तारीख को जाके लाना है। ट्रॉफी अपनी है, बस जाके लगातार चौथी बार होम वर्ल्ड कप 11 में इंडिया ने जीता था, 15 में ऑस्ट्रेलिया ने होम वर्ल्ड कप जीता था, 19 में इंग्लैंड ने जीता था, फिर इंडिया होम वर्ल्ड कप जीतने वाला है और पहली टीम बनने वाला है होम वर्ल्ड कप जीतने वाला। इस बार जिस तरीके से हम खेल रहे हैं, सब मैच जीते हैं लीग की, और मैं स्पेशल कोंगो अफ्रीका से मैच देखने आया हूँ इंडिया को सपोर्ट करने के लिए। हमने आज न्यूजीलैंड को हरा के 2019 का बदला लिया है, और हम अहमदाबाद में 19 तारीख को जीतेंगे और हम डेफिनेटली कप ले जाएंगे। ये कप हमको कोई हरा नहीं सकता और कोई टीम हमको दूर दूर तक टक्कर देने वाली नहीं है, और ये कप हमारा है, 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 और हमारा रहे। ये मैडम आपके हाथ नहीं दिख रहे, अली तिरंगा लेके कौन को किसके हाथ दुखते। भैया की टी शर्ट पे लिखा है एडिडास, भैया की टी शर्ट पे लिखा है एडिडास, ये वर्ल्ड कप होगा टीम इंडिया के लिए बड़ा खास। अब की बार अहमदाबाद में जीतेंगे तो इंडिया। अगर टीम इंडिया को कौन से डिपार्टमेंट में काम होगा तो फील्डिंग डिपार्टमेंट में बहुत काम करना होगा। यार देखो शमी ने क्या छोड़ा, पर उन्होंने कहा कि हिसाब भी मैं ही लूंगा पूरा का पूरा। शमी की बॉलिंग ही बहुत है, लेकिन अगर कांग्रेचुलेशन टीम इंडिया। देखिए ये लहरा रही है हाथों में भारतीय तिरंगा, ये लहरा रही है हाथों में भारतीय तिरंगा, मत लेना टीम इंडिया से पंगा। इंडिया को एक बताना चाहता हूँ, पहले एक सेकंड पहले कैमरे के सामने तो आओ लोग, वहाँ बोलोगे तो फायदा नहीं। इंडिया को जब हाँ यार बताओ, वहाँ मरीन ड्राइव की कोने उस कोने से शुरू किया था, यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, वहाँ वापस चलो वही कहाँ से बोल रहे। पहले वहाँ चलो, बच्ची का मैंने क्या नाम है आपका, फातिमा का इंटरव्यू पता हो चुका है आपको, आप लेट आए हो, आपकी बेटी है, आपको अपनी बेटी का ख्याल ही नहीं है। दोनों का इंटरव्यू हो गया सर। इंडिया को ऐसी सिचुएशन आई ना, पहले पीछे सबका होगा, सबका पहले यहाँ तो आओगे, वहाँ फायदा ही नहीं है, मैं ले ही नहीं पाऊंगा वहाँ किसी के। क्रिकेट है खेल दीवानों का, ये खेल है शेर जवानों का, या टीम इंडिया जैसी होती है, जिन्हें देख के विरोधी टीम रोती है, ये इतना रोती है। ओ मैं बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो वहाँ बैठ के हमें देख रहे हैं, जैसे मैं मैडम को देख रहा हूँ बड़ी देर। आप मैडम आधा घंटा हो गया आपको खड़े हुए हैं, तो हाँ जी हाँ आइए आइए, आप भी आइए, आप भी आइए। अरे हाँ क्या क्या है, कुछ कहना है? हाँ कहना तो है कि जिस तरह इंडिया खेला है, द वे दे प्लेड, इट्स रियली गुड फॉर लाइक फॉर द। कहाँ से, वेयर आर यू फ्रॉम?
I'm from Congo. You are from Congo? Yeah. You are all are together. Yeah, we all are together. मतलब आप बारी बारी से लेकर आ रहे हो सबको, कोई बात नहीं. पीछे पीछे आज विराट कोहली के हो गए 50 शतक. आज विराट कोहली के हो गए 50 शतक और आप देख रहे हैं न्यूज आज तक. माल है यार. मतलब मैं एक बात बताऊं, पिछले एक डेढ़ घंटे से हम लोग लाइव हैं. मैंने क्रिकेट के नाम पे अभी तक न खुद कोई बात करी है, न किसी और से करने दी है, न किसी ने करी है. मतलब यहाँ पे तब से जश्न ही चल रहा है. बस मतलब जय माता दी, इंडिया इंडिया हो रहा है. आज स्पोर्ट्स तक के 7 मिलियन हो जाएगा. जीतेगा जीतेगा. 7 मिलियन करवाओ. आज 7 मिलियन स्पोर्ट्स तक के व्यूवर्स करवा दो. भारत का बच्चा बच्चा बोलेगा वर्ल्ड कप हमारा है. और ये काले चश्मे का क्या राज है? नो, वो फोकस कर रहा है ना, लाइट फोकस कर रहा है. इसके लिए हम थोड़ा ये धूप से भी हमें बचाते हैं और फोकस से भी. यार ये थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है. ये ऐसे थोड़ी ना होता है यार. घूर रहा है हमको. हाँ तुमको ऐसा दिया. आप ये जीत का संख ना दे. सॉरी बोलो, सब सॉरी बोलो भाई. सॉरी बोलो यार. ठीक है चलो 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 चलो. वर्ल्ड कप जीत, ये वर्ल्ड कप हमारा है. ठीक है चलो चलो. तोड़ दिया अभी नकली ट्रॉफी. अब हम लाएंगे अहमदाबाद से असली ट्रॉफी. मतलब देख लो यार, सभी देशवासियों के लिए तैयार है गर्मा गर्म कॉफी. सभी देशवासियों के लिए तैयार है गर्मा गर्म कॉफी. अहमदाबाद से लाएंगे हम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी. मैं तो यार, ये दिन आप लोगों का है. वो हर दिन होते हो. ये दिन आप फिर यहाँ वहाँ चले यार. मैं यहाँ वहाँ न्यूजीलैंड वालों की चुबाई हमने आज पिन. न्यूजीलैंड वालों की चुबाई हमने आज पिन. बड़ी मुश्किल से आते हैं ये दिन. सर इस बार आपका सवाल जा पक्का. भाई जीत गया. बस बस आज जश्न ही जश्न है जी. आज टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया. विराट कोहली ने इतिहास रच दिया भाई. चलो आगे इंडिया. चलो आगे चलो. भारत माता की. चलो 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 चलो. कोई बात नहीं जान. तो ये राम बाबू, खैर आई थिंक मेरे ख्याल से टीम बस भी अब निकल चुकी होगी क्योंकि राम बाबू यूजुअली आप लोगों को बेहतर पता होगा. टीम बस तो जा चुकी होगी. अच्छा तो वो कहाँ से? नहीं तो वो यूजुअली. चलो खैर कोई बात नहीं. आओ यार आगे क्यों खड़े, सब इधर आ जाओ. पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ. आप लोग भी आओ पीछे. आओ आओ. ये नॉन स्टॉप चलता रहता है हमारा. इनको पूछे सर, इनको पूछे. क्या कौन सी टीका इनको पूछे बताओ. ये जिस जीतेगा भाई जीतेगा. इंडिया जीतेगा.
इंडिया इज द बेस्ट। और कोई किस लोग बोल रहे हैं कि पीछे वालों का नंबर नहीं आ रहा उनपे, आप महेश आप पीछे वालों को दिखा नहीं रहे हो। नहीं करेंगे अब हम रेस्ट, नहीं करेंगे अब हम रेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। अच्छा नहीं कोई बात नहीं यार, ऐसा कुछ ये दुनिया एक दुल्हन दुल्हन के माते की बिंदिया, ये मेरा इंडिया आई लव माई इंडिया, ये मेरा इंडिया आई लव माई इंडिया। इंडिया की बल्ले बल्ले। टीवियों ने मुझे 2019 में हराया था, हम सब लोगों ने रोया था, लेकिन आज 7 का 7 विकेट लेके समी ने उसको प्रस्त कर दिया। कमाल है यार, क्या करके यार देख के। फातिमा मजा आ रहा है इस। अच्छा नीचे रखो ना, नीचे रखो, नीचे रखो, नीचे रखो, ऐसे नहीं। आप लोग एक इंसान का ऑलरेडी नुकसान करवा चुके हो। टीम इंडिया ने, इंडिया का एक टीम इंडिया ने सभी टीम आ जाओ, सभी टीम। क्या हाल है जी, क्या हाल है जी, ठीक हो हैं? ये देखो भाई की फिजिक देख रहे हो आप लोग। आया हूँ और मैं अभी अहमदाबाद में वर्ल्ड कप झंडा का और फाइनल भी वर्ल्ड कप अहमदाबाद में खेलने का है, और वो कल वर्ल्ड कप हम ही जीतेंगे। आज जैसे देखा वही इनिंग आपको अहमदाबाद में मिलेगी, देख रहे हैं। टैटू वैटू कहाँ गए वो? हाँ ये परमानेंट है। जो इनको पर बोल दें दो शब्द। हाँ अरुण भाई, हाँ इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की ताकत ये पता है। एक भाई का वर्ल्ड कप पूरा ट्रॉफी तोड़ चुके हैं सब। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदा वंदा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, ये वर्ल्ड कप हमारा है यार। ये मैं एक भाई बात मैं कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसे चेहरे हैं, मैं क्योंकि चेन्नई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो पहला मैच इंडिया ने खेला था, मैंने वहां से शुरू किया था, हर करीब हर मैदान पर गया, हर जगह कुछ ऐसे चेहरे थे। मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या करते हैं, कैसे आप लोग अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। ये लोग ना हर रोज मुझे हर मैदान पर दिखे, कैसे आते हैं, ट्रेन से आते हैं, होटल्स कह रहे थे कि ये लोगों को मिल नहीं पा रहे हैं, बड़े कुछ ऐसे चेहरे हैं जो हर जगह मुझे दिखते हैं। और भी ऐसे इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे फैंस भी हैं, इनको तो हम खैर सुपर फैंस कहते हैं इन लोगों को, बट ऐसे बहुत सारे फैंस भी हैं जो मुझे दिखे, रेलवे स्टेशन पे ही रुकते थे, रेलवे स्टेशन पे ही सोते थे। मतलब सलाम है यार आप लोगों के जज्बे को भी। ये क्रिकेट का प्यार है जो मतलब मैं मतलब बैठ के स्टूडियो में टैटू किया हुआ है मेरा, इंडिया का मैंने देखा हुआ है, मैं अहमदाबाद में आपने सारा दिखाया था एक दिन पहले, क्योंकि आप पेंटिंग जब वर्ल्ड कप चालू हुआ 3 दिन से मैं ऐसे पेंटिंग करके और मैं अहमदाबाद घूमता था, पूरा चेयरअप करता था इंडिया टीम का। ये देखो आपके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। टीम इंडिया की ताकत इस वर्ल्ड कप में सभी ने है मानी, टीम इंडिया की ताकत इस वर्ल्ड कप में सभी ने है मानी, और हमारे साथ खड़े हैं गुजरात से आए हुए अरुण हरियाणी। अरुण हिंदुस्तान, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दोस्तों वर्ल्ड कप जीतने की टीम, इस बार वर्ल्ड कप जीतने की टीम इंडिया ने है ठानी, इस बार वर्ल्ड कप जीतने की टीम इंडिया ने है ठानी, और यहाँ खड़े हैं सारे सच्चे हिंदुस्तानी। अब इस बार नहीं होंगे अनहोनी, अब इस बार नहीं होंगे अनहोनी, वर्ल्ड कप लेके आएंगे कोहली, वर्ल्ड कप लेके आएंगे कोहली। क्या है यार, क्या है यार ये यार, मतलब खोदा पहाड़ निकला चूहा, मतलब मुझे लगा कुछ धमाके का ड्राइविंग होगा, मतलब बरवर बल्ला, तुम्हें बरवर बल्ला। ये मुंबई कर कौन है, मुंबई वाला मराठी मानूस कौन कौन रे, मराठी मानूस
मराठी मानूस नहीं आता मराठी 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 में प्रश्न विचार प्रश्न कैसे पूछूं यार मेरे को मराठी अहमदाबाद में आवानु छे ने भारत वर्ल्ड कप लावानु छे मराठी वाले ये रहे बोला की मराठी से एकदम बेस्ट परफॉर्मन्स करत आहे तरी भारतामध्ये यावेळेस आपण वर्ल्ड कप आताच्या दिवाळीमध्ये आपण मॅच जिंकलेली आहे त्याच्यामुळे इतका आनंद झाला या दिवाळीमध्ये की आपण खरीच दिवाळी साजरी करतो असं वाटत आहे त्यामुळे येणाऱ्या दिवाळीमध्ये आपण दिवाळीचे फटाके उरलेले होते जे दिवाळीचे फटाके उरलेले ते फटाके आम्ही आता या पूर्ण फायनलमध्ये फोडू थोडा त्यामुळे इथे थोडा पिछे तो आओ अरे पीछे आओ इधर इधर आओ ना बोलो बोलो पीछे तो आओ अरे पीछे आओ वहाँ पे सड़क पे नहीं होना पाकिस्तान ने सरहदों पे मारा हमारे देश ने पाकिस्तानों को सरहदों पे मारा और इन देशों में घुसा के भी मारा उन्हें ये हमारा है नया हिंदुस्तान मोदी जी का से जीते हैं इंडिया के जीते पाकिस्तान को न्यूजीलैंड से जीते हैं भाई ये वर्ल्ड कप हमारी स्पोर्ट्समैनशिप है पर ये हमारी पाकिस्तान की नाकामी है एक बात बताओ एक सेकंड एक बात बताओ इंडिया ने कितने मैचेस खेल लिए इस वर्ल्ड कप में दस खेल लिए ना दस खेल लिए पाकिस्तान से कितने मैच खेले इस वर्ल्ड कौन इंडिया ने एक तो पाकिस्तान का क्या है आज आप सेमीफाइनल जीते पाकिस्तान हमें मेन मुद्दा हमारा पाकिस्तान है सनातन धर्म मेन मुद्दा है वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप हमारे देश में ही आएगा अगर हमारे सनातन धर्म हम यहाँ होंगे चलो ठीक है अगर हमारे सनातन धर्म एकजुट होंगे तो हमारे वर्ल्ड कप भी यही आएंगे पक्का आएंगे ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की गढ़ है आएंगे तो कहीं से नहीं आएंगे ये पाकिस्तानी मुगलो ये यहाँ ये पाकिस्तान ये एक बात बताऊं ये स्पोर्ट्स का प्लेटफॉर्म है ठीक है यहाँ पे ये नहीं चलेगा जो स्पोर्ट्स सर अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली वाढदिवसादिवशी म्हणजे बोलली होती अनुष्का शर्मा कि ज्यावेळेस वर्ल्ड कप ज्यावेळेस भारत अनुष्का शर्माने सांगितलं होतं विराट कोहलीच्या वाढदिवसाचं गिफ्ट ऐका की विराट कोहलीच्या वाढदिवसाचं गिफ्ट ते असेल की ज्यावेळेस भारत वर्ल्ड कप जिंकेल त्यावेळेस पूर्ण भारत जश्न मनाएगा बस इतना समझ आया की संपूर्ण भारत वर्ल्ड कप जीत की करो तैयारी वर्ल्ड कप जीत की करो तैयारी अहमदाबाद पहुंच रही है टीम इंडिया हमारी यार अच्छा यार एक बात बताओ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों की मेरी तो नहीं हुई है बैटरी डाउन आप लोगों की बैटरी थोड़ी थोड़ी डाउन लग रही है भारत माता की भारत माता की भारत माता की ताज को इंग्लिश में कहते हैं क्राउन एक सेकंड अरे एक सेकंड कुछ बोला जा रहा है मुझे वहां से कुछ बोला जा रहा है एक सेकंड हाँ जी कुछ पूछ रहे हैं आप मुझसे अच्छा एक सेकंड अब आपके लिए एक स्पेशल फरमाइश आई है ठीक है आप मना भी कर सकते हो नहीं कि भाई बट सुन तो लीजिए आप लोगों के पसंदीदा जो एंकर हैं वहां पे वो बोल रहे हैं कि आज तक की कवरेज पे इन महाशय भाई देवे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ ये इतने बड़े फैन है कि मेरे जब परसों यहाँ पे मिले मैंने इनसे पूछा आपका नाम क्या इन्होंने कहा मेरा नाम है शुभम गर्ग अगले दिन मैंने दोबारा पूछा यार मेरे
भूल गया मैं आपका नाम क्या है। इन्होंने बोला मेरा नाम है शुभम गुप्ता। मैंने कहा कल आप घर थे, आज गुप्ता हो गए। अब सुनिए, अब ऐसा है, वो पूछ रहे हैं स्पेशल फरमाइश आज तक की इस वर्ल्ड कप कवरेज पे। अब आपको कुछ बनाना है? बिल्कुल बनाएंगे। बनाओ आज तक के। ये हमारे देसी अन्नू मलिक है। विराट कोहली ने ठोका है आज 50वां शतक। विराट कोहली ने ठोका है आज 50वां शतक और आप देख रहे हो इस समय न्यूज आज तक। भाई साहब की फैन फॉलोइंग आप देख रहे हो। आप लोगों ने भाई को सुपरस्टार बना रखा है। स्टार तो छोड़ दीजिए, सुपरस्टार मतलब आप समझ रहे हो। वहाँ पे आपको सुरेश रैना बैठे हुए देख रहे हैं। अरे वाह वाह वाह। सर मैं खाया पिया है, गला आपका ऐसा लग रहा है? नहीं जी नहीं, खाने की जरूरत नहीं। टीम इंडिया जीत की वो काफी है। टीम इंडिया की जीत में भूख कहाँ लग रही है ये बताइए? नहीं लग रही ना जी, भूख नहीं लग रही है। तो नहीं पिया होगा सर। बाद में खाएंगे खाना, बाद में खाएंगे खाना, पहले टीम इंडिया के लगाएंगे जीत का गाना। लेके तिरंगा मेरे साथ चलो अहमदाबाद, चलो अहमदाबाद, चलो अहमदाबाद, चलो अहमदाबाद, चलो लड्डू बनवा लो तुम। टीम इंडिया वर्ल्ड कप लाएगी, हिटमैन की सेना किसी से ना रुक पाएगी। लेके तिरंगा मेरे साथ चलो अहमदाबाद, चलो अहमदाबाद, चलो अहमदाबाद, चलो। वाह यार, मतलब देखिए कहाँ से, ये कांगो से आए हैं, ये मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से, कोई बात नहीं। मैं गुजरात से। हम काशी से, काशी से, काशी इलाहाबाद, इलाहाबाद से, मिजोरम से आए हैं, यूपी से। मेरे साथ डेढ़ घंटे थे, वो मेरी एनर्जी में बिल्कुल फर्क नहीं है आप लोगों की एनर्जी में। भाई सुबह से चिल्लाएंगे तो एनर्जी कहीं तो होगी ना। आप थोड़ी स्टेडियम में आए थे चिल्लाएंगे। सुनिए सुनिए, आज तक न्यूज चैनल के लिए दो शब्द और बोलो बोलो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल, और आज तक चैनल है सुपर स्टार। जिस तरीके से इंडिया की टीम अभी इतनी फेमस है, उसी तरह आज तक भी पूरे वर्ल्ड में उतनी फेमस है। हम सब लोग अफ्रीका में सिर्फ एक ही चैनल देखते हैं न्यूज की, वो है आज तक, आज तक और आज तक। तो बस हम एक ही चीज बोलना चाहेंगे कि लाल फूल नीला फूल विराट भैया ब्यूटीफुल, लाल फूल नीला फूल विराट भैया ब्यूटीफुल, लाल फूल नीला फूल विराट भैया ब्यूटीफुल, लाल फूल नीला फूल विराट भैया ब्यूटीफुल। रोहित बाबा। हाँ जी, कौन है अब? आइए आइए रोहित बाबा, देखो मुंबई में खड़े हैं, अभी तक आप ऊपर टीले पे चढ़े हुए थे, आए आप नीचे। अभी तक ये हमारे ये प्रेडिक्टर, ये प्रेडिक्ट करेंगे नेक्स्ट मैच में। हो गया? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। कौन है बर्गर वाला? आओ आओ, क्या करना है? बर्गर वाला बर्गर। कौन? अंडे वाला? अंडे वाला बर्गर। वो क्या है? वो अंडे वाला बर्गर। अरे जेने, वो जेने। देखो ललुआ कहता है कि 11 टीम हमारी राबड़ी ने बनाया है, तो हम 11 टीम पूरे के पूरे उतारेंगे अभी तक, और वर्ल्ड कप जीत के लाएंगे। कप हमारा होगा, कप हमारा होगा। क्या लेके जाएगा? विराट कोहली अपने अनुष्का के साथ कप लेके ही जाएंगे। यार शुभमन गिल का आज 100 मिस हुआ है, किसी ने आज बात तक नहीं करी है आप में से शुभमन गिल के बारे में। वो शुभमन गिल का 100 इसलिए रुकवा दिया है क्योंकि वो एक सेकंड। अब आपने शुरू करवा दिया, मैं अब कप्तान पे गाना कौन गाएगा? हम गाएंगे हिटमैन का जलवा निराला, छक्के लगाए ये सबसे ज्यादा, ओपनिंग करने को हिटमैन आए, गेंदबाजों के पसीने छुड़ाए, अपना शर्मा जी का बेटा टीम इंडिया का हिटमैन कहलाए रे, तिरंगा शान से लहराए रे। अच्छा एक सेकंड, आज दोपहर आपने दोपहर में सुरेश रैना, मदन जी, विक्रांत जी सब पे बनाया, मेरे पे कुछ नहीं बनाया आपने? बनाया तो है। हमारे साथ खड़े हैं हमारे बड़े भाई राहुल रावत, हमारे साथ खड़े हैं हमारे बड़े भाई राहुल रावत, और यहाँ चल रही है सेमीफाइनल की दावत। क्या बात है, देखो हैं
मैंने सेट कर रखा है, किधर कर रखा है? है ना। चलो विक्रांत सर के लिए दो शब्द और कह देते हैं। आपके लिए एक और है, एक और है। स्वभाव के बड़े हैं शांत, स्वभाव के बड़े हैं शांत, और हमारे दिलों में बसते हैं सर विक्रांत। अब उनको पता लग गया ना, देखिए इतने बड़े फैन आपके कौन होंगे जो रातों रात अपना सरनेम बदल दिया उन्होंने, गर्व से गुप्ता बन गए हैं। टीम इंडिया का विजय रथ नहीं है किसी पे रुकता, और हमारे सुपरस्टार हमारे दिनों में बसते हैं सर विक्रांत गुप्ता। अच्छा शुभमन गिल है जी, सो छूटा आज उनका? है जी सो छूटा है, वो अहमदाबाद में जा रहे हैं, अहमदाबाद उनका घरेलू ग्राउंड है, गुजरात की टीम से खेलते हैं और बड़े टीम बड़े मैचों में बड़े स्कोर करने वाले हैं। आपने आईपीएल में भी देखा है, शतक वहाँ बनाएंगे, शतक वहाँ बनाएंगे, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेकर आएंगे। वो बैटर बड़े होते हैं, गिल कोहली वहाँ खड़े होते हैं। शेष अय्यर के लिए कौन कौन कर रहा है ये पीछे से? शेष अय्यर के लिए, शेष अय्यर के लिए, राहुल द्रविड़ एंड रोहित शर्मा, शेष अय्यर केएल राहुल बुमराह पे विश्वास रखे, उनको बैक करके कम मैच में भी उनको वर्ल्ड कप लेके आए, पूरा प्रिपेयर करके रहे। शेष अय्यर एक में वो ऐसा बैट्समैन है जो फोर्थ नंबर पे आके 500 से ज्यादा रन बनाए। मैं तो मानता हूँ, आज देखो मोहम्मद शमी ने जबरदस्त गेंदबाजी करी, सात विकेट मायने रखता है, सात विकेट मायने रखता है। रोहित विराट कोहली ने 100 बनाया, 50वां शतक अपना वानखेड़े में मास्टर के सामने, सचिन तेंदुलकर के सामने। श्रेयस अय्यर ने जो आज पारी खेली है, मेरा मानना है उस पारी ने दैट मेड द डिफरेंस, क्योंकि यही 397 रन ना, अगर आपका 350 होता न्यूजीलैंड पे वो प्रेशर उतना नहीं होता, और न्यूजीलैंड वो भरोसा था इसलिए डेयरिंग की गई कि शुभमन गिल को वापस लाया गया, वो श्रेयस अय्यर पे भरोसा था कोच का और कैप्टन का। रविंद्र जाडेजा सर के कैचेस के बारे में कुछ बोलिए। हाँ, कैचेस के बारे में बोलिए। रविंद्र जाडेजा ने जो कैच पकड़े है उसके बारे में, कैच के बारे में बोलो। चलो और कौन कौन है स्टूडियो में? अभी अभी सुन रहे, और कौन कौन है स्टूडियो में? पीछे जाना पड़ेगा उसके लिए हमें, थोड़ा पीछे। हाँ और कौन कौन है आओ पीछे, तो आओ स्टूडियो में, सब बैठे हैं, बताओ जो जो कहोगे उनके लिए। आप अरे यार फिर उधर इधर आओ ना पीछे, वहाँ से फायदा। चलो मदन लाल सर के लिए दो शब्द और बोल दें। मदन जी के लिए बोलो, थोड़ा पीछे हो जाओ दोस्तों। भाई है देख इनको, अजय इन लोगों को देख के दिया करना अपना सामान, अभी किसी का वर्ल्ड कप तोड़ा इन्होंने, ये बहुत तोड़फोड़। ये मोहम्मद असरुद्दीन है क्या? अजहर भाई है ना? ये अजहर भाई है ना? नीचे करना, दिख नहीं रहे। क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम रमेश माली है, रमेश माली। रमेश माली, हाँ। क्या करते हो? मैं मुंबई टीम का सपोर्ट करता हूँ और इंडिया टीम की सपोर्ट करता हूँ। और कोई काम भी करते हो उसके अलावा? मेहंदी बेचता हूँ, मेहंदी का काम करता हूँ। वाह यार, हाथ मिलाओ। मेहंदी का बिजनेस है। अच्छा, क्या नाम है भैया का? क्या नाम है? रमेश माली। क्या? रमेश माली। चलो भैया के लिए दो शब्द बोल देते हैं। सभी टीम इंडिया के लिए बजाओ ताली, सभी टीम इंडिया के लिए बजाओ ताली। यहाँ खड़े हमारे बड़े भाई रमेश माली। राहुल सर के लिए हमारे बारे में, हम भी टीचर, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। हम भी टीचर है, हमारे बारे में दो शब्द बोलिए। ये टीचर है, टीचर है, हमारे बारे में बोलिए कुछ। क्या टीचर? नाम बताओ। छत्रपाल सिंह जाडेजा। छत्रपाल सिंह जाडेजा। छत्रपाल सिंह जाडेजा है ये टीचर है हम। छत्रपाल सिंह जाडेजा, 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 जाडेजा। क्या बात है सर जाडेजा, तभी टीचर भी आपको, तो वैसे ही सर जाडेजा हो आप तो। बोलिए। विरोधी टीमों की हमने उखेड़ दी खाल, विरोधी टीमों की उखेड़ दी हमने खाल, हमारे साथ खड़े हैं छत्रपाल भाई। पैसे लेने शुरू कर देना कल से, अब से सब लोगों ना करने वाले। अच्छा पीछे पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ। अरे कैमरे के मेरे पीछे आओ, सामने आओ कैमरे के। देखो पीछे वाले बोर हो रहे हैं। सर किसान है, खेत में क्या बोलो? ये खड़े हैं अमित शाह। क्या नाम है आपका? अमित शाह। ये खड़े हैं अमित शाह। टीम इंडिया का स्कोर हमने 11-0 वर्ल्ड कप में सही है कहा, टीम इंडिया का स्कोर हमने वर्ल्ड कप में 11-0 सही है कहा, और हमारे साथ खड़े हैं भाई अमित शाह।
तक में भी अमित शाह है ना, स्पोर्ट्स तक में भी अमित शाह है ना। शमी के बारे में बोल दो, अंदर बैठे हुए हूँ, संध्या मैनेजर बने हुए हूँ। देखिए हमारे वाले समी के लिए फरमाइश आई है, ताश के 52 पत्तों में खेलते हैं हम गेम रमी, ताश के 52 पत्तों में खेलते हैं हम गेम रमी, और कह ढा रहे हैं मोहम्मद शमी। दो शब्द यदि मदन लाल सर लाइव हो तो उनके लिए दो शब्द बोल दें, लाइव है तो बोल दें। टीम इंडिया के सामने नहीं चलेगी कोई चाल, टीम इंडिया के सामने नहीं चलेगी कोई चाल, और 1983 वर्ल्ड कप के हीरो हैं हमारे सर मदन लाल। वाह जी वाह, किसान के बारे में ये देखो अब बोल देंगे भाई, ये देखो इन्होंने सबके बारे में बोला, राहुल सर के बारे में कुछ बोल दो, राहुल सर के बोल दिया बोल। हाँ जी क्या है, आप लोग बड़ी देर से मैं देख रहा हूँ, इंजॉय कर रहे हैं पूरा यहाँ पे माहौल। ये भी दो शब्द और बोल रहे हैं अपने ऊपर बना के, देखिए हमारे लंबे हो गए हैं केस, हमारे लंबे हो गए हैं केस, और 2011 क्वार्टर फाइनल के हीरो हैं हमारे सर सुरेश। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए थे उन्होंने और युवराज ने वो टिके थे। यार आप लोग बड़े देर से देख रहे हो, पीछे एंजॉय कर रहे हो, माहौल का मजा ले रहे हो, हैं कहना कहना इंडिया जीतेगा इस बार, इंडिया जीतेगा वर्ल्ड कप, भारत ये तो हर कोई बोल चुका, इस बार इंडिया जीतेगा वर्ल्ड कप भारत माता की। विक्की भाई क्यों नहीं आए, विक्की भाई 2011 के वर्ल्ड कप की जीत में जो क्वार्टर फाइनल में सुरेश रैना सर ने इनिंग खेल ली थी, उस वर्ल्ड कप को शायद कोई बात नहीं करता है, लेकिन उस करता है यार। उस नहीं धोनी धोनी के छक्के की याद होती है जब भी 2011 वर्ल्ड कप की बात होती है, लेकिन उस समय ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराना सबसे टफ था, और उस ऑस्ट्रेलिया की टीम को हरा के उस मैच में जो सबसे बढ़िया इनिंग खेली थी युवराज सिंह और हमारे सर सुरेश रैना ने खेली थी, वो जिस समय टीम इंडिया फंस गई थी, 4 विकेट गिर गए थे, सुरेश रैना सर ने जो इनिंग खेली थी उस पर हमें आज भी प्राउड है। सही बात है यार, मुझे याद है, सही बात है, मुझे याद है, और वो मैच मोटेरा में हुआ था अहमदाबाद में, मैं उस मैच को कवर करने भी गया था, सुरेश रैना का उस वर्ल्ड कप का वो पहला मैच था, पूरे वर्ल्ड कप का वो उनका पहला मैच था, और उसके बाद सुन लिया मैंने, सही बात कही आपने, और मुझे याद है वो मैच अच्छी तरह से, बाद में ऐसा लगता था इंडिया बड़ी कंफर्टेबली जीत गई, बट बीच में ये वो टीम थी 2011 की, हर कोई खिलाड़ी उस टीम में सुपरस्टार था। आज जो हुआ है इस पूरे वर्ल्ड कप में जो हमने देखा है इस टीम में भी यार हर कोई, कल रोहित शर्मा ने एक बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा यार हमारी टीम में ना जब 1983 का वर्ल्ड कप हम जीते थे कोई प्लेयर पैदा भी नहीं हुआ था, उसके बाद 2011 में जब हम वर्ल्ड कप जीते थे तो आधे से ज्यादा प्लेयरों ने क्रिकेट खेलना शुरू तक नहीं किया था, तो ये जो टीम है ना ये 2011 के बारे में बात नहीं करती, ये 83 के बारे में बात नहीं करती है, ये आज में जी रही है। ये रोहित शर्मा ने कल बात कही थी, और कभी कभार ना नहीं यंगर की सोच की बात है, आपकी सोच क्या है, किसी ने अभी बड़ी अच्छी बात कही कि बेहतर टीमें भी आई होंगी, बेहतर खिलाड़ी भी आए हैं इनसे, पर ये है कि कॉन्फिडेंस, क्या हर टीम को इतना ही कॉन्फिडेंस था अपनी स्किल पे अपने आप पर जो इस टीम को है, क्या वो बिलीफ हर टीम को इतना ही था इससे पहले जो आई है जो इस टीम के में है, क्या हर कोई इतना इन्फॉर्म था, मैम गुड थैंक यू सो मच वायर, मैं मुझे थैंक यू मैडम, तो डॉक्टर हेमा मिस्त्री, हम होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, मीठी मीठी गोलियां खिलाते हैं, साथ में वर्ल्ड कप के हम कोहिनूर भी ले लेंगे। टीम इंडिया खुशे खेमा, टीम इंडिया खुशे खेमा, और हमारी साथ खड़ी हैं डॉक्टर हेमा। मैडम मैं आऊंगा आपके पास होम्योपैथिक की दवाइयां लेने, मुझे बता दीजिए कहाँ आना है बस। वाह वाह मैडम थैंक यू, वाह नहीं नहीं थैंक यू सो मच, क्या नाम है आपका? हाँ जी सगळ्यात जास्त आनंद शेतकऱ्यांच्या मुलांना झालेला आहे। एक बार बोला मराठी में, बोलने को हिंदी में बोला,
सगळ्यात जास्त आनंद शेतकऱ्यांचा. हिंदी में, हिंदी में बोलो एक बार, मराठी में एक बार. हिंदी में, हिंदी में बोलो ना. सबसे ज्यादा खुशी किसान के बच्चों को हुई है, जो खेत से खेलते हैं, जो खेत में खेलते हैं, वो क्रिकेट को देखते देखते बड़े हो जाते हैं, उसमें बहुत भूख होती है बड़ा बनने की. मैं आपको बताऊं, ये मैडम है अस्मिता जी, उधर देखिए ना, ये मैं तब से पता नहीं कब से मैं बोल रहा हूँ, ये वहाँ पे करीब एक घंटे से वहाँ पे देखी जा रही है. अभी थोड़ी देर पहले पानी भी पिला. क्या नाम है मैडम? अस्मिता तिवारी. अस्मिता तिवारी. अस्मिता तिवारी जी, हाँ जी. देखिए अभी पानी पिलाया है, अब हम अस्मिता तिवारी जी के दो शब्द बोलेंगे. टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में सब भाई, पहले दो शब्द बोलने. एक सेकंड, देखिए इन्होंने अभी अस्मिता तिवारी बहन ने हमें पानी पिलाया है, तो अस्मिता तिवारी जी के लिए दो शब्द. टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में सभी टीमों पर है भारी. टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में सभी टीमों पर है भारी. और हमारे साथ खड़ी है अस्मिता तिवारी. अच्छा एक सेकंड, अगर अगर आज सबसे पहले तो आज एक सबसे पहले आज इंडिया जीती है, उसके लिए शोर मचा दिया जाए. और भाई का जन्मदिन है, भाई का जन्मदिन, भाई का जन्मदिन. हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे. देखो भाई, देखो देखो, सुनो भाई, सुनो सुनो सुनो, ये जन्मदिन, सुनो 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 भाई, अरे भाई वर्ल्ड कप के लिए ऐसा बोलेंगे. हाँ, और सुनिए, भाई का जन्मदिन है और भाई को गिफ्ट में वर्ल्ड कप चाहिए. हैप्पी बर्थडे टू यू. मेरा हैप्पी बर्थडे. मेरा भी बर्थडे है दो दिन बाद. हैप्पी बर्थडे डियर आरा. हैप्पी बर्थडे. ये दो दिन बाद मेरा भी बर्थडे है, हमको भी वर्ल्ड कप चाहिए, बस वर्ल्ड कप. भाई इधर आओ, इधर. हैप्पी बर्थडे यार. मैं नहीं आया भैया. यार एक सेकंड, यार भाई का जन्मदिन है, दो शब्द बोलने दो. भाई का जन्मदिन है, हट जाओ. पता क्या होता है आप लोग, पता क्या होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है अभी, वो ठीक है. मैं यार आपको मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे दोस्त, बहुत बहुत बधाई आपको. आपको बधाई. जन्मदिन तुम्हारा, तो मिलेंगे लड्डू हमको. जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको. बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको. कहाँ है वो हीरो जो लेकर आए थे बर्थडे का केक? क्या नाम है बेटा आपका? रिहान. हैं? रिहान. रिहान यहीं से मैच देखा? टीवी पे देखा. हैं? टीवी पे देखा. कोई बात नहीं, टीवी पे भी जीते हैं, वहाँ पे भी जीते हैं. वही प्लेयर थे, स्कोर अलग अच्छा से दिख रहा होगा, है ना? हाँ. अगला मैच देखना है अहमदाबाद. हाँ, फाइनल से देखना है. जा रहे हो? जा रहे तो नहीं है, पर टीवी पे मैच. दोस्त अगर मेरे पास टिकट होती ना, मैं आप सबको देता. और मैंने एक्चुअली पता है बहुत लोगों को टिकट्स भी दी हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं से, मैंने लेके बहुत लोगों को, आपको पता होगा मैंने चेन्नई हो गया, जैसे चेन्नई में दी थी. हाँ, मतलब जो भी है, जो आप में से कभी कभार कुछ लोग मुझे मिल जाते, इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि आप लोग हो गए, ये शुभम हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं जहाँ जहाँ गया हूँ मुझे हर जगह मिले. रेलवे स्टेशन पे बैठे होते हैं, मुझे ये भी नहीं पता होता, मैं पूछ पाता हूँ कि आप कहाँ रुके हुए हो, क्या कर रहे हो. बट जज्बे को सलाम है यार आप लोगों के. खैर, वो कहाँ गई मैडम अस्मिता जी? थी ना यहाँ पे, आई आपसे कॉन्वर्सेशन आधी रह गई थी हमारी बात. अस्मिता जी, जी बताइए, आप मैच टीवी पे देखा है या मोबाइल पे? मोबाइल पे, ऑनलाइन ऑनलाइन मोबाइल पे. हमने बहुत टिकट का ट्राई किया, बट टिकट का बहुत ट्राई किया बट मिला नहीं. आप एक बार बताऊं, अंदर भी यही माहौल होता जो यहाँ आपने देखा? यहाँ पे हमने ज्यादा एंजॉय किया है, बहुत एंजॉय किया. अंदर देखिए, टीम इंडिया का विजय रथ है जारी, टीम इंडिया का विजय रथ है जारी. और मोबाइल पे देख रही थी बहन मैच अस्मिता तिवारी. देखिए
आइए, ये मैडम आप भी आइए, आप भी तब से ऊपर ना, आप टीले पे चढ़ी हुई थी तब से मैं देख रहा था, टीले पे चढ़ी हुई थी। फर्स्ट टाइम इधर आई हूँ, बट इतना अच्छा लग रहा है इधर नरिमन पॉइंट पे ये सब देखने को। आप कहाँ रहते हैं? मैं गुलालवाड़ी कालबा देवी। कितनी दूर है यहाँ से? 10 मिनट 15 मिनट। मैच के लिए मैच का ये जोश देख रही हूँ ना, 10 मिनट तो मैं इच्छा नहीं हो रही है घर पे जाने की भी। टीम इंडिया के लिए गाना मैं सुन रहा था पीछे, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा हम सबसे आगे होंगे। हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी हमने कहा हिंदुस्तानी। क्या नाम है मैडम? मोनिका। ओ नरेंद्र मोदी जी के लिए जो गाना बना है ना, मैंने वचन दिया भारत माँ को, मेरा तेरा शीर्ष नहीं झुकने दूंगा, ये हमारे खिलाड़ियों के लिए गाना है। मैंने वचन दिया भारत माँ को, तेरा शीर्ष नहीं झुकने दूंगा, इसलिए भारत वर्ल्ड कप जीत के आएगा। क्या 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 सुना? सॉरी एनीवेज, खैर तो बात ये यार, मैच खत्म कितने बजे हुआ था? 10 बजे। नहीं नहीं, 10:30 हुआ, वक्त कितना हो गया? मेरी तो घड़ी 2 घंटे आ गए। यार वहाँ पे भी आप में से कोई मतलब कोई बोल नहीं रहा मुझे कि बस कर दे भाई, वहाँ से भी कोई बोलने को राजी नहीं है कि यार कि बस कर दे हो, मतलब ये झंडा कहाँ लहरा रहा है भाई? झंडा ऊंचा रहे हमारा, लहरा दो वो गाना, गाना चला दो। इसके खातिर कसम है हमको अपना शीश कटा देंगे, जितना भी इस जिस्म में बाकी सारा लहू बहा देंगे, इसके खातिर जो ठानेंगे वो करके दिखला देंगे, अपनी धरती के आगे हम सारा गगन झुका देंगे। अभिमान तिरंगा है मेरी जान, तिरंगा है मेरी शान, तिरंगा है। बोलो भारत माता की जय। जय 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 जय। यहाँ से निकलो, अरे क्या हुआ, यहाँ से निकलो, ना लेना टीम इंडिया से पंगा, ना लेना टीम इंडिया से पंगा, और लहरा रहे हैं हम आज जीत का तिरंगा। फाइनेंस का तो पता नहीं, यह भाई तो आज फेमस होएगा, की वजह से हो गया, हो गया भाई वो यहाँ से नहीं, पता नहीं कहाँ से लगा हुआ है, मतलब मेरे को लगा कोई पेंट लगाने वाले हो गए, वो देखा हर जगह चेन्नई। चेन्नई के बाद अगला मैच कहाँ हुआ था? चेन्नई के बाद अहमदाबाद, अहमदाबाद दिल्ली हुआ था, दिल्ली दिल्ली अफगानिस्तान का दिल्ली हुआ था, 131 रन हिट मैन के। तो जी फिलहाल एक काम करते हैं, बोलो बोलो क्या, मैं तो बोल रहा हूँ भाई, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, पता है तुम लोगों को बहुत देर से देख रहा हूँ, बोलूँ अब बोल दो कुछ, सोच लो ऑन एयर बोल दूंगा। देखो जो भी नोड़ा, यस गो नो माइनस नेवर पॉइंट 50। नहीं नहीं मेरे को कोई वो नहीं है, क्या दिखा रहे हो? लेना टीम इंडिया से पंगा, ना लेना टीम इंडिया से पंगा, शान से लहराएंगे अब तिरंगा। पीछे आओ, पीछे पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, चलो मैन ऑफ द मैच यार, मैन ऑफ यार, अब तो ये हो गया कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दोगे किसको अगर इंडिया जीतता है वर्ल्ड कप? हैं? विराट कोहली मैन ऑफ द टूर्नामेंट मोहम्मद शमी का बनने का, इस हिसाब से उनने जल प्रदर्शन किया है, 5 विकेट 4 विकेट 5 विकेट 7 विकेट, मोहम्मद शमी को मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिलेगा। शामी भाई की बॉलिंग कोई डाल सकता है क्या? वाह, बेसिकली जो यहाँ से मैंने भी, आई हैव आल्सो पिक्ड अप लाइक दिस ओनली, ये बोलते हैं कि शमी, क्या बोलते हैं, शमी भाई के आगे बोल सकता है क्या, ये बोलते हैं लोग, बट नो वरीज। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज नोमान फ्रॉम कॉन्गो, राइट? या वेरी गुड यार, देख लो यार, शमी भाई लोग
समी भाई हैं अपने मियां और वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया ने प्रवेश किया। सही बात है। तो यार देखो ये है आईआर पे बोल देना जी, ये आईआर पे बुलवाना चाह रहे न्यूजीलैंड की गाड़ी के। अरे बोल तो रे, सुनोगे तो न्यूजीलैंड की गाड़ी के हमने पंचर कर दिया ट्यूब और टायर। न्यूजीलैंड की गाड़ी के हमने पंचर कर दिया ट्यूब और टायर। जलवा मचा रहा है अपना श्रेयस अय्यर। ट्यूब और टायर, वाह। देखिए अभी गिल के बारे में बोल दें, इनके मस्तक पे है छोटा सा तिल, इनके मस्तक पे एक छोटा सा तिल और धूम मचा रहा है सुमन गिल। छोटा सा है ना, वो दिख नहीं रहा है ना, मचा रहा है सुमन गिल। अभी तू अहमदाबाद में मिल ये। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली को कौन दे रहा है? किंग कोहली, किंग कोहली का क्रोन कौन दे रहा है? मुकुट, सचिन सचिन क्रिकेट के भगवान किंग कोहली को दे रहे हैं ताज। क्रिकेट के भगवान किंग कोहली को दे रहे हैं ताज और क्रिकेट में बहुत समय तक किंग कोहली करेगा राज। सही बात है यार, मतलब बड़ा मजा आया। मेरे को ये बताओ मैच कितने रन से जीता है इंडिया? चलो इतना तो पता है, पता ही होगा। नहीं नहीं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है? आप लोग नहीं नहीं आप लोग तो पांच ओवर पहले से सेलिब्रेशन शुरू हो गया था ना, तब तक तो 7 विकेट हुए थे मेरे ख्याल से, 7 विकेटें गिरी थी और तब से सेलिब्रेशन चल रहा है। मतलब मैच जब मुझे लगता है डैरिल मिचेल या फिर ग्लेन फिलिप्स आउट हुए थे आई थिंक, तब से आप लोगों को पता लग गया था कि मैच इंडिया ने मुट्ठी में अपने कर लिया है। और द मोमेंट केन विलियमसन और डैरिल मिचेल की पार्टनरशिप टूटी, उसके बाद टॉम लेथम 0 पे आउट हो गए थे, तो उसके बाद तो इंडिया का जो विजय रथ है, जो अनबीटन कैंपेन है इस वर्ल्ड कप में, वो जारी है। और उसके साथ ही वो जारी है वो सपना जो पिछले 12 साल से इंडिया ले रहा था, इंडियन फैंस ले रहे थे, ये सारे लोग ले रहे थे। और मतलब हम जब यहाँ पर मैंने कदम रखा था दोपहर में, सुबह, उसके बाद मिड इनिंग्स, उसके बाद पोस्ट मैच, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी। अगर मैं आपको दिखा दूँ, फिलहाल पूरा मरीन ड्राइव ऑलमोस्ट खाली हो चुका है, उस तरफ भी और उस तरफ भी। ये कुछ लोग हैं पीछे, इधर आओ ना तो पता लगेगा कि ये कुछ लोग हैं जो अभी भी यहाँ पर मतलब टिके हुए हैं और पता नहीं शायद से साथ देने के लिए रुके हुए हैं, बट ये साथ दे रहे हैं, मेरा नहीं, ये इंडियन टीम का साथ दे रहे हैं। जहाँ जहाँ इंडियन टीम जाती है, जहाँ जहाँ इंडियन टीम जीतती है, वहाँ ऐसे ही बहुत सारे लोग भी मिलते हैं। जीतती है इंडिया, ये भी उनके साथ शरीक होते हैं। जब इंडिया खराब करती है, हारती है, तो इन्होंने भी वो दिन देखे हैं। बट अब जब इंडिया फाइनल में पहुंच चुकी है, इनमें से कोई भी मुझे नहीं लगता कि तैयार है इस बात के लिए कि इंडिया अब हारेगी। क्योंकि मैं 2-3 दिन से यहां पर हूं, मैंने एक्चुअली हार वर्ड जो है शब्द सुना ही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ ये बोलते हैं भाई जीतेगा तो इंडिया 11 के 11 मैच जीतेंगे, इंडिया 11 के 11 मैच जीतेंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने 2003 में और 7 में जीता था, इंडिया भी जीत के दिखाएंगे। इंडिया उसका मतलब ऐसा सिर्फ 2 ही टीमें हुई हैं जिन्होंने कारनामा किया है कि अनबीटन पूरा टूर्नामेंट जीता हो, पूरा वर्ल्ड कप जीता हो, एक वेस्ट इंडीज, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, तीसरा होपफुली यार इंडियन टीम होगी। तो बुमराह रिफ्रेश होके आए थे और उन्होंने जो विकेट लिया वो भी एक दमदार कहानी थी अपने ग्राउंड के अंदर आने के बाद, और उन्होंने विकेट झटका। तैयारी राज तिलक की करो तैयारी, वर्ल्ड कप ला रही है हमारी टीम इंडिया प्यारी। चलो यार एक काम करते हैं, फिलहाल एक काम करते हैं, मैं अब यहाँ से इजाजत लेता हूँ, आपसे जल्द मिलूंगा, हो सकता है थोड़ी देर बाद मिल जाऊँ, हो सकता है कल मिल जाऊँ। और जी आई 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 आज तक न्यूज चैनल मेरा फेवरेट है, हमेशा हमेशा देखती हूँ। थैंक यू वेरी मच अस्मिता जी, थैंक यू वेरी मच। तो एक काम करते हैं, फिलहाल यार इजाजत लेते हैं और आप सबका शुक्रिया, और बिल्कुल ऐसे ही साथ देते रहिए, इंडिया का भी, इंडियन टीम का भी, हमारा भी। बस यार अभी बस यार हाथ तोड़ दोगे
चलिए जी, फिलहाल बाय बाय बाय।